प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जिसकी जमीन स्तर पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ताजा मामला महोबा जिले का है, जहां रोडवेज बस में सफर कर रही एक आदिवासी महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस बीच यात्रियों द्वारा लगातार 102 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, लेकिन सुविधा न मिल सकी। आखिर में बस के ड्राइवर कंडक्टर द्वारा ही महिला को जिला अस्पताल से लाकर भर्ती कराया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हालत में हैं। दाल मंडी से हम लोग बस में बैठे हैं, अब बस में आते आते रास्ते में बच्चा हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोरंगा है। अभी कहाँ हो फिर? ये अस्पताल में आए, महोबा के अस्पताल में। अब ठीक है आपकी बहू और बच्चा? हाँ ठीक है, हमारी बहू भी, हमारी लड़की भी सही है, हमारा बच्चा भी सही है। इलाज हो रहा है? हाँ इलाज हो रहा है। महिला चिकित्सक अमृता सिंह ने बताया कि रोडवेज बस में परिचालक द्वारा महिला के प्रसव होने की सूचना मिली है। स्वास्थ्य टीम को भेजकर महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां जच्चा बच्चा की हालत बेहतर बनी हुई है। ये जो है बेसिक रहने वाली इलाहाबाद की है, राठ में ये लोग मजदूरी करते थे, तो वहां से बस के द्वारा आ रही थी महोबा, तभी इसका रास्ते में बस में प्रसव हो गया है और हम लोगों ने इसको तुरंत भर्ती कर लिया है। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, दोनों का उपचार किया जा रहा है, दोनों भर्ती हैं। हाँ, दोनों की हालत स्थिर है, दोनों से कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। हाँ, प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि जच्चा और बच्चा को जिला अस्पताल द्वारा बेहतर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपातकाल सेवा के लिए शुरू की गई 102 एम्बुलेंस अगर आपातकाल के समय ही नहीं पहुंचेगी तो 102 एम्बुलेंस का फायदा क्या है? पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिया की रिपोर्ट।